नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। राजनीतिक पार्टियों में आपने कुर्सी के लिए लड़ाई होती देखी होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन में कुर्सी के लिए लड़ाई का मामला शायद पहली बार सामने आया है। सतना के कोलगांव थाने में महिला एएसआई और मुंशी राजेंद्र तिवारी के बीच कुर्सी को लेकर मारपीट हो गई। सारे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को लगते ही वो थाने पहुंच गए और मामले को रफा दफा करने का प्रयास करने लगे। महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व उठाने वाले पुलिस प्रशासन में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं सतना के कोलगावा थाने की, जहां महिला एएसआई को उसी के सहकर्मी ने जमकर पीट दिया। थाने में पदस्थ एएसआई बेबी तरन्नुम और मुंशी राजेंद्र तिवारी के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद मुंशी राजेंद्र तिवारी ने बेबी तरन्नुम की पिटाई कर दी। सारे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को लगते ही वो थाने जा पहुंचे और मामले को रफा दफा करने का प्रयास करने लगे। पुलिस अधिकारी दोनों के बीच सिर्फ विवाद होने की बात कहते हुए मारपीट की घटना से इनकार कर रहे हैं। मैं उसको रोज बोलती हूँ मुंशी जी, मेरे को लिखना है, काम करना है, मैं नहीं हटूंगा। रोज टाल देती थी, आज फिर मैं कहीं मुंशी जी आप हट जाओ, हमको काम करना है, तो बोलता है मैं नहीं दूंगा यहाँ से, तुम टी आई के पास जाओ। हम कहा क्यों टी आई साहब के पास जाए, आप उठ जाओ, बात खत्म हो जाए। मारपीट नहीं हुई है, हमारे विवेचक हैं, उनकी पत्नी करना है, बैठने को लेकर विवाद है। हमारे ये ऐसा ही बेबी तरन्नुम है और प्रधान आरक्षक क्या नाम है, राजेंद्र तिवारी, इनके बीच में पुलिसकर्मी राजेंद्र तिवारी का अपने ही विभाग की महिला कर्मचारी के साथ किए गए इस बर्ताव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता के प्रति उसका क्या रवैया रहता होगा। वहीं राजनीतिक दलों के बाद कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन में कुर्सी की लड़ाई का ये पहला मामला सामने आया है। सतना से आनंद सिंह की रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।